फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में ऐसे कौन से काम हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और ऐसे कौन से काम हैं जो हमें जरूर जरूर करने चाहिए। तो हम इसको जानेंगे, इनसे क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। कई बार ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ती हैं। तो सबसे पहला आपको ये ध्यान देना है कि पीरियड के दिनों में आपने कोई एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने पीरियड के दिनों में सिर्फ बेड पर ही लेटे रहना है। जो आप हल्का वर्कआउट करते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं, वो आप करते रहिए, लेकिन जिम जाने से और हैवी एक्सरसाइज से आपको बचना है, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी में पहले ही ब्लीडिंग होने के कारण कुछ ब्लड कम हो जाता है, आप में पहले ही थकान होती है, और अगर आप उस समय हैवी वर्कआउट करेंगे तो वो कभी ना कभी आपकी किसी ना किसी बॉडी पार्ट को डैमेज कर सकता है। साथ में आपने ध्यान देना है डाइटिंग का। बहुत सारी गर्ल्स जो कि डाइटिंग करते हैं, एक्चुअली डाइटिंग वैसे भी रिकमेंडेबल नहीं होती कि आप डाइटिंग करें, लेकिन अगर आप उस डाइटिंग को पीरियड के दिनों में भी कंटिन्यू करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायी होता है, क्योंकि पीरियड के दिनों में डाइटिंग करने से आपकी बॉडी में ऑलरेडी मिनरल्स का और ब्लड का लॉस हो चुका होता है और डाइटिंग से आप उसमें वो परमानेंट डेफिशिएंसी कर देते हैं। देखो, अगर कोई चीज कम हो रही है और ज्यादा हो रही है, खाने से वो इंक्रीज होती है और जब ब्लीडिंग होती है तो वो डिक्रीज होती है, तो वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस आपकी बॉडी सेल्स में बना रहता है। लेकिन जब आप उसको कई बार बहुत ही डाउन वाली स्टेज पे ले जाते हो, मींस एक आपने ब्लीडिंग के थ्रू आपकी बॉडी में मिनरल्स का लॉस हुआ सेल्स के अंदर, और दूसरा आपने क्या किया, एक्सरसाइज की और खाना भी नहीं खाया ढंग से, तो वो इतना कम हो जाता है कि वो इरिवर्सिबल मोड पे आ जाता है कि उसके बाद आप कितना ही खाइए वो कभी रिवर्स नहीं होगा। तो आपने बचना है एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज से और डाइटिंग से। इसके साथ आपने क्या करना है कि उन दिनों में डेयरी प्रोडक्ट को एक्सेस में ना लें। डेयरी प्रोडक्ट अदरवाइज पूरे मंथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनमें कैल्शियम भी होता है और इनमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन इनमें एक ऐसा एसिड भी होता है जो कि आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो आपके 3-4-5 डेज हैं, उनमें आप कम लेवल पे आप मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले और उसके बाद में आपने डेयरी प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा लेना है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में जो कैल्शियम होता है वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती तो आपको एक्सेसिव ब्लड फ्लो फेस करना पड़ता है। इसलिए आपकी बॉडी में कभी भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी और मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा मिनरल हो या कैल्शियम डेफिशिएंट होंगे आप, उतना ही ज्यादा ब्लड का फ्लो और इंक्रीज होता है और वो आपको अल्टीमेटली सिकनेस ही देता है। इसके साथ आपने इन दिनों जूस, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल ये बहुत ज्यादा लेनी है, क्योंकि इससे आपकी जो मिनरल का लॉस हो रहा है वो रिकवर हो जाता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो ज्यादातर कपल्स के ध्यान में होती है कि क्या पीरियड्स के दिनों में फिजिकल रिलेशन डेवलप करना चाहिए, क्या इससे प्रेगनेंसी होती है या नहीं होती। तो इसके लिए आई विल से बिग नो, क्योंकि पीरियड के दिनों में अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो ये हाइजीनिकली भी अच्छा नहीं होता, और जो ये सोचते हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं होगी, कंसीव नहीं होगा, तो ये उनका सोचना गलत है। ये डिपेंड करता है कि पीरियड साइकिल आपका कितने डेज का है। अगर आपका पीरियड साइकिल 16, 18, 20 डेज का है तो हो सकता है कि आपको 3rd, 4th या 2nd डे पे भी कंसीव
हो जाए, क्योंकि हम कंसीव के लिए जो ओवुलेशन डे देखते हैं वो मेंसुरल साइकिल स्टार्ट होने के डे से नहीं देखते, हम लास्ट से काउंट करते हैं कि नेक्स्ट कब आएगा, नेक्स्ट से माइनस 14 करते हैं। तो अब आप देखिए, अगर 16 डेज का है और आपने थर्ड डे पे सेकंड डे पे कर लिया तो आपका ओवुलेशन डे तो मेंसुरल साइकिल के बीच में ही आ गया, तो इसीलिए प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसमें आप किसी भी तरीके की केयरलेस ना रखें और साथ में आप ध्यान दें सफाई का, हाइजीन का। हाइजीन के लिए आप सैनिटरी नैपकिन प्रॉपर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करें। आप एक ही सैनिटरी नैपकिन को ज्यादा लंबे टाइम तक यूज ना करें, आप 4 से 8 घंटे में इसको चेंज करते रहें। हालांकि हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं, तो आपको बार बार वॉश करने की जरूरत नहीं है। आप दिन में 2 बार वॉश करके भी रह सकते हैं, लेकिन सैनिटरी नैपकिन को आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहें और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम में ले। अगर आपको रेगुलर सैनिटरी नैपकिन की जरूरत होती है तो रेगुलर लें, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज या जो भी थिन, जिस तरह का भी आप चाहें, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सैनिटरी नैपकिन को काम में ले। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कपड़ा या तो काम में ना ले, और अगर कपड़ा काम में ले रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से धुला हुआ और सैनिटाइज जो होना चाहिए, उसको अच्छे से धोने के बाद उसको अच्छे से या तो धूप में सुखाइए या फिर उसको डिटॉल से या गर्म पानी से उसको वॉश करिए। ऐसे बिना धुला कपड़ा या अच्छे ढंग से नहीं धुला हुआ कपड़ा आप काम में ना ले, और हो सके तो आप इसको अवॉइड ही करिए। एक और, ज्यादातर गर्ल्स क्या करती हैं, थोड़ा सा पेन होते ही पेन किलर लेना स्टार्ट कर देती हैं, जो कि अल्टीमेटली उनके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है। ये आपका एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमिना है, जिसमें आपको क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, जिसमें आपको कमर दर्द और थकान और थोड़ा सा वोमिटिंग का सेंसेशन भी हो सकता है। इस छोटे से दर्द को अगर आप बियर कर सकते हैं तो आपको हल्के दर्द के लिए कभी भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर वो अनबियरेबल पेन है, अनबियरेबल अगर आपको फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपने आप कभी भी पेन के लिए आप मेडिसिन ना लें, क्योंकि ये आपको आगे चल के बांझपन तक में भी आपको प्रोसीड लीड कर सकता है, तो आपने इस तरह से नहीं करना। इसके बाद आप देखेंगे क्रैम्प। क्रैम्प जो है वो जनरली कैल्शियम की डेफिशिएंसी और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से ही होते हैं। इन दिनों में आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि एक्सेसिव मीठा ले रहे हैं या नमक बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। तो आपको जो सॉल्ट या सब्जियां जो खानी है, आप उनको प्रॉपर इंटेक करिए, और कभी भी ऐसा मत करिए कि आप सारा दिन ही मीठे पे हैं या आप मीठा ज्यादा खा रहे हैं और आप सॉल्ट बिल्कुल नहीं ले रहे। लेकिन जंक फूड से आपको बचना है। जंक फूड अदरवाइज ऑल्सो दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन पीरियड के दिनों में तो आप इतना कर ही सकते हैं कि जंक फूड को आप अवॉइड कर सकते हैं। और जब आप वॉश करें अपने आप को, तो बहुत ज्यादा साबुन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी बॉडी में अपने आप गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं, तो आप सिर्फ हल्के गुनगुने पानी से और हल्के से साबुन से वॉश कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, तो कभी भी एक्सेस में ज्यादा क्लीनलीनेस या बिल्कुल ही आप उसको साफ ही ना करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये थे कुछ टिप्स जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर आपके दिमाग में रहते हैं। तो आपने कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं, आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। हैप्पी पीरियड्स, हैप्पी मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज। थैंक यू।